रहीम, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड देन डिड सप्लाई मॉडल नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डू एनालिसिस. और इसमें हम ये देखेंगे कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो डिमैंड पुल इन्फ्लेशन का रीजन बनते हैं पिछले लेक्चर में हमने जस्ट ये बताया डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में उसको शो किया कि कैसे होता है अब हम डीप एनालिसिस की तरफ जाते हैं कि वो वेरिएबल्स कौन से हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक दफा फिर से हम अपना रिफ्रेश कर लेते हैं और वो ये है कि ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ट्राई टू बाय मोर देन द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ये बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन है जितना इकॉनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती लोग उतना कंज्यूम करने को तैयार हैं या गवर्नमेंट की भी कंजम्पशन बीच में शामिल कर लें टोटल इकॉनॉमी में इतनी कंजम्पशन की डिमांड है जितनी इकानी प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसका नतीजा यह होता है कि फर्म्स फिर अपनी प्राइसेस बढ़ा देती हैं और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आ जाता है ऐसा अमूमन कब होता है जब इकानी के हालात अच्छे हों जब इकॉनॉमी के हालात बुरे हों क्राइसिस की सिचुएशन हो गवर्नमेंट जो है वो डेट को के प्रॉब्लम को फेस कर रही हो प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ना हो तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है ऐसी सूरत हाल में डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं हो सकता डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब लोगों के हालात अच्छे हों इनकम ज्यादा हो गवर्नमेंट जो है वो भी ज्यादा रिसोर्स उसके पास हों जिसकी वजह से वो ज्यादा स्पेंडिंग कर रही हो तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन अब हम उनके फैक्टर्स की तरफ जाते हैं तो उनमें से पहला फैक्टर जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का या पहला रीजन जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वो है एक्सेसिव मॉनिटरी ग्रोथ अगर मनी सप्लाई जो है वो ग्रो करे लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से करे जिस स्पीड से जीडीपी ग्रो कर रही है तो अगर मनी की ग्रोथ जीडीपी ग्रो की ग्रोथ से ज्यादा हो जाए और स्पेशली रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज्यादा हो जाए मनी सप्लाई का ग्रोथ रेट तो नतीजा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा मनी सिस्टम में क्रिएट हो रही है आप देखें पांच परसेंट से अगर आपकी रियल जीडीपी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है 5 से तो का वॉल्यूम बढ़ गया ना खरीदो फरोख्त बढ़ गई पांच परसेंट से तो पांच परसेंट से तो मनी ज्यादा वैसे ही चाहिए मनी क्रिएट करेंगे पांच परसेंट से तो सही हो गया नहीं करेंगे तो विलासिटी बढ़ जाएगी लेकिन मनी तो पांच परसेंट एक्स्ट्रा बहर हल चाहिए लेकिन दूसरी तरफ अगर 5 परसेंट से इकॉनॉमी ने ग्रो किया और 10 परसेंट से आप मनी सप्लाई बढ़ा दें तो जो एक्स्ट्रा 5 परसेंट मनी आई वो किसी के पास तो आएगी ना सिस्टम के अंदर तो जिन ग्रुप्स के पास वो मनी पहुंचती है क्योंकि मनी सप्लाई का एक मैकेनिज्म है जो हमने बड़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो वो जो मनी इकॉनॉमी में पहुंचेगी तो उस मनी से लोग क्या करेंगे या कुछ एसेट्स खरीदेंगे या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अब इसमें एक बड़े मशहूर फ्रेज है जो कि मिल्टन फ्रीडमैन जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं उनका एक जो है वो एक मशहूर फ्रेज है इन्फ्लेशन से रिलेटेड और वो ये कि इन्फ्लेशन इज एन इकानी वाइड मॉनिटरी फिनम दैट कंसर्न्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वैल्यू ऑफ एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ इसका मतलब है इन्फ्लेशन हमेशा मनी से ही आता है और किसी सोर्स से ही नहीं आता यानी कि इसका प्राइमरी प्राइमरी जो डिटर्मिनेंट है इन्फ्लेशन का या प्राइस के बढ़ने का वो है ही मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन लेकिन अगर हमने मनी से उसको समझना है तो उसके लिए हमें मनी डिमांड मनी सप्लाई मनी मार्केट इक्विलिब्रियम समझना होगा जो कि हम लकीली इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो समझने के बाद हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे जाएं तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी आप इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के मुताबिक द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनोमी डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ मनी यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्वांटिटी ऑफ मनी से ही डिटरमिन होती है सो ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये उसका प्राइमरी कॉज होता है इन्फ्लेशन का यही बात बाद में मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी। तो इसका मतलब है सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर अनचेंज्ड गिवन चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी ये बेसिक अजाम्शन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो हमने क्वांटिटी थ्योरी के टॉपिक में डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम कांस्टेंट हो जाए आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो प्राइसेस और इन मनी का वन टू वन रिलेशनशिप बन जाता है उनके ग्रोथ रेट्स आपस में इक्वल हो जाता है तो यह जरूरी ऑफ मनी से फर्दर मॉनिट्रिस्ट व्यू आता है और मॉनिटरिस्ट व्यू में बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन तो मैंने जब पिछली स्लाइड में आपको बताया तो आपको मैंने ये पॉइंट रेज करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन ओनली मनी सप्लाई कैन ड्राइव इन्फ्लेशन तो यहां हम प्रॉपर मॉनिटरिस्ट व्यू हम डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि मनी इज द ओनली डिटर्मिनेट ऑफ इन्फ्लेशन नो अदर फैक्टर फॉर इन्फ्लेशन और हम ये आगे इस लेक्चर में भी और कुछ और कुछ में भी डिफरेंट डिस्कस करेंगे कि अगर किसी और रीजन से inflation आता भी है तो वो टेम्पर होता है लॉन्ग लास्टिंग जो इन्फ्लेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनी से ही ड्राइव होता है और यही है। है इसको हम एक से भी देख सकते हैं कि monetarist view ये है कि ये अगर aggregate demand initially आपका AD1 हो और एग्रीगेट सप्लाई ए एस वन हो और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वन पे हो तो अगर इसके बाद डिमांड जो है मनी सप्लाई बढ़ जाए और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ के ए डी टू हो जाए तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वन प्राइम पे पहुंचेगा जहां आउटपुट जो है वो पोटेंशियल लेवल से भी ज्यादा हो जाएगी नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट से भी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसकी वजह से वेजेस बढ़ेंगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो आप पॉइंट टू पे पहुंचेंगे जिसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ गई जबकि आउटपुट अपने पुराने लेवल पे वापस आ गई अगर फिर मनी ग्रोथ होती है तो इकोनॉमी टू प्राइम पे पहुंचेगी फिर थ्री पे पहुंचेगी फिर थ्री प्राइम पे पहुंचेगी फिर फोर हर दफा मैकेनिज्म एक ही है लेकिन जब तक मॉनिटरी ग्रोथ होती रहेगी इकॉनॉमी लॉन्ग रन में वर्टिकल सप्लाई के ऊपर मूव करती जाएगी आउटपुट का लेवल वही नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पे या पोटेंशियल आउटपुट पे रहेगा जबकि इन्फ्लेशन ओवर टाइम बढ़ता रहेगा

फ्रीडमैन के मुताबिक मॉनिटरिस्ट के मुताबिक सिर्फ मनी से आता है लेकिन अदरवाइज जो है वो अगर मॉनिटरिस्ट व्यू को सिर्फ मॉनिटरिस्ट जो है वो एक थेरी है एक स्कूल ऑफ थाट है इकोनॉमिक्स के अंदर आप अगर उसको इग्नोर कर दें तो अदरवाइज फिर और कई सोर्सेज से जो है वो इन्फ्लेशन आ सकता है लेकिन हम इन दोनों को आपस में कंपेयर भी बाद में करेंगे लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट क्रिएट करे डेफिसिट जो होता है वो किसकी इक्वल होता है जी माइनस टी जी इज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टी फॉर टैक्सेस तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेफिसिट है और वो डेफिसिट डेल्टा बी के इक्वल है बॉन्ड्स क्योंकि गवर्नमेंट इसके डिफरेंस मुताबिक लोन लेती है और लोन बॉन्ड्स के थ्रू लेती है तो उसे हमने कहा डेल्टा बॉन्ड डेल्टा बी चेंज इन बॉन्ड अब जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसका नतीजा भी इन्फ्लेशन होता है और वो नतीजा क्यों इन्फ्लेशन है क्योंकि डेफिसिट बाय कंस्ट्रक्शन बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू जी माइनस टी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो ये डिमांड का बढ़ना है क्योंकि डिमांड होती है सी प्लस आई प्लस जी अगर फोर्थ सेक्टर ना शामिल करें और फोर्थ कर लें तो एनएक्स भी डाल दें लेकिन अगर जो है वो आपका ये हो गया जी लेकिन दूसरी तरफ अगर जी की बजाय गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर रही है और इस वजह से डेफिसिट बढ़ रहा है तो टैक्सेस कम होने से कंज्यूमर्स की डिस्पोजिबल इनकम बढ़ती और बढ़ तो बढ़ है और डिस्पोजिबल इनकम से तो सी पार्ट बढ़ जाता है कि क्या होता है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा यहां पे अब वो पॉइंट जो मैंने कहा था हम कंपैरिजन भी करते जाएंगे यहां मॉनिटरिस्ट का और ये फिस्कल साइड के इन्फ्लेशन का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि जब फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन आता है तो यहाँ ये जो हमारा मॉडल है इसमें इनिशियली एग्रीगेट आउटपुट और इन्फ्लेशन की जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज हैं वो पॉइंट वन के हिसाब से वाई एन नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है और दूसरी तरफ आई एन एफ इन्फ्लेशन रेट है अगर डेफिसिट क्रिएट होता है फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं या टैक्सेस कम होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का राइट साइड पे शिफ्ट होकर एडी वन हो जाता है और इकॉनमी पॉइंट वन प्राइम पे पहुंचती है अब जब वन प्राइम पे पहुंचती है तो वन प्राइम पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको नोट करना है यहां पे एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट साइड पे तब शिफ्ट होता है जब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन या वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं कि अब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा अगर सेंट्रल बैंक जो है वो पॉइंट वन प्राइम पे मनी सप्लाई ना बढ़ाए तो जो डेफिसिट है उससे वन टाइम एक डिमांड जरूर क्रिएट हुई लोगों की एक्सपेक्टेशंस रिवाइज नहीं होंगी क्योंकि लोगों को पता है कि आर्जी तौर पे डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन हो गया है सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ानी नहीं है इस इस इन्फ्लेशन प्राइसेस ने जो है वो या कम हो जाना है या एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट ने वापस जीरो हो जाना है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं चेंज करेंगे तो जो एग्रीगेट सप्लाई का एस वन पे शिफ्ट होना था वो नहीं होगा अब ये रीजन है ये मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि भले इनिशियली फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन आए लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन तभी होगा जब मॉनेटरी एडजस्टमेंट होगी यानी कि इस डेफिसिट के बदले में सेंट्रल बैंक अपनी मनी सप्लाई भी बढ़ा दे अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो एस वन शिफ्ट नहीं होगा और इकॉनमी वन प्राइम पे ही रह जाएगी जिसका मतलब यह है कि एक वन टाइम इन्फ्लेशन होगा परमानेंटली इन्फ्लेशन नहीं हो सकता तो फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन का जो नेट रिजल्ट है जस्ट उसको मैं एक दफा समराइज कर देता हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन इज वीक यही जो मैंने बात की कि जब तक मनी सप्लाई साथ ना बढ़े तब तक फर्क नहीं पड़ता ज्यादा थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेशन हो जाता है तो लॉन्ग रन में ये इन्फ्लेशन वीक हो जाता है सो परमानेंट चेंज इसल पॉलिसी विद परमानेंट चेंज देर इज पर्मानेंट चेंज इन प्राइस लेवल बट नो चेंज इन इन्फ्लेशन रेट इन द लॉन्ग रन So, ongoing inflation is driven only by money supply. Thank you.